विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये नया रसोई गैस ईंधन तैयार किया है और पुणे स्थित नेशनल केमिकल लेबोरेटरी यानी NCL में इसका पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया गया है। विगत 21 अक्टूबर को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डिजिटल तरीके से पायलट प्रोजेक्ट का शुभारम्भ किया। NCL ने अपनी कैंटीन में LPG गैस में भी 20% DME मिलाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उसने इसके लिए एक अलग से चूल्हा अदिति ऊर्जा यूनिट भी विकसित किया है। DME के इस्तेमाल के लिए LPG चूल्हे की तुलना में थोड़ा अलग चूल्हे की जरूरत होती है। NCL के अनुसार DME गैस का घनत्व LPG से भिन्न होता है, इसलिए NCL ने अदिति ऊर्जा यूनिट में अलग बर्नर फिट किया है। इसमें DME LPG के मिश्रित इस्तेमाल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नए बर्नर में ऑक्सीजन ज्यादा प्रवेश होती है, जिससे DME सरलता से जलती है और इसे ताप का प्रभाव बढ़ता है। पारंपरिक बर्नर के मुकाबले में इसकी प्रभावशीलता का परीक्षण बेहतर है। परीक्षण से पता चला कि LPG के साथ इस्तेमाल किए जा रहे पारंपरिक बर्नर के मुकाबले ये 10-15% अधिक फायदेमंद और प्रभावशाली है। NCL ने DME के निर्माण का संयंत्र भी अपनी प्रयोगशाला में स्थापित किया है। इसमें प्रतिदिन 20-24 किलोग्राम DME का उत्पादन किया जा रहा है। इस प्रकार DME के निर्माण के साथ ही NCL इसका इस्तेमाल और नए बर्नर का भी परीक्षण कर रहा है। इन परीक्षणों के बाद इस नए ईंधन को बाजार में उतार दिया जाएगा। अभी इसे LPG के साथ ही मिलाकर दिया जाएगा। बता दें कि भारत में मेथनॉल को बढ़ावा देने के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। मेथनॉल कोयले से बनता है और देश में बड़े पैमाने पर मेथनॉल उत्पादन की योजना बनाई गई है। इसे पेट्रोलियम पदार्थों के विकल्प के रूप में पेश करने की तैयारी की गई है।